ये पांच चीजें दान करने से भयंकर गरीबी आती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें कभी भी किसी को ना ही देना चाहिए और ना ही शेयर करना चाहिए। ऐसा करने से घर से सुख समृद्धि चली जाती है और आलक्ष्मी वास करने लगती है। अगर आप स्वभाव से दयावान हैं और किसी भी मजबूर व्यक्ति को देखकर उसका तन मन धन से मदद करने में जुट जाते हैं तो ये पुण्य का काम है। हालांकि वास्तु शास्त्र के अनुसार आपकी ये आदत आपको मुसीबत में डाल सकती है। शास्त्रों में ये बताया गया है कि हमारे घर में कई ऐसी चीजें भी होती हैं जिसे कभी भी दूसरों को नहीं देना चाहिए। ये आपको भयंकर गरीबी और दरिद्रता में ला सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मौजूद कुछ चीजों को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने मात्र से घर की बरकत, सुख शांति, समृद्धि, वैभव सभी चीजें उस व्यक्ति के घर से चली जाती है। इसके साथ ही घर में अलक्ष्मी का वास हो जाता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं ऐसी कुछ चीजों के बारे में जिन्हें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, घर की रसोई में रखी हुई चीजों को सीधा भाग्य से जोड़ा जाता है। ऐसे में रसोई में रखी कुछ खास चीजों को दूसरों को देने से बचना चाहिए। इन्हीं में से एक है तवा, चिमटा, बेलन आदि। इन चीजों को दूसरों को देने से अन्नपूर्णा माता नाराज हो जाती है। इसके साथ ही माता लक्ष्मी भी घर से चली जाती है। इसलिए कोशिश करें कि रोटी बनाने वाली चीजों को किसी के साथ भी शेयर ना करें। नंबर 2, झाड़ू। वास्तु शास्त्र के अनुसार झाड़ू में माता लक्ष्मी का सीधे तौर पर वास होता है। झाड़ू घर की दरिद्रता को हटाने के साथ साथ सुख समृद्धि और खुशहाली लाती है। इसलिए झाड़ू भी किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू के साथ माता लक्ष्मी उस व्यक्ति के घर में चली जाएगी। इसी वजह से इसे पूजनीय वस्तु भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है यदि आप अपने घर में इस्तेमाल होने वाला झाड़ू किसी को भी दान में देते हैं तो आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने में मदद करती है। नंबर 3, धन। जीवन में आने वाली कई मुसीबतों से निपटने के लिए पत्नी द्वारा बचाया गया धन ही काम आता है। इसलिए इसे किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। नंबर 4, आभूषण। वास्तु शास्त्र के अनुसार कभी भी किसी को अपनी पत्नी, बहन या फिर माता के आभूषण या फिर कपड़े किसी को भी उधार नहीं देने चाहिए। ऐसा करने से सुख समृद्धि, धन ऐश्वर्य भी आभूषण के साथ चला जाता है और भाग्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। विशेष करके महिलाओं को अपना मंगलसूत्र और बिछिया भी किसी को नहीं देना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर की जो बरकत है और सौभाग्य है दूसरों के घर में चला जाता है। नंबर 5 पर आता है घड़ी। वास्तु के मुताबिक घड़ी अच्छे या फिर बुरे भाग्य से सीधे तौर पर जुड़ी होती है। इसलिए इसे भी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका अच्छा भाग्य इस व्यक्ति के पास जा सकता है। ऐसे करने से आपके प्रोफेशनल लाइफ पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। नंबर 6, कपड़े ना दें किसी को उधार। वास्तु शास्त्र के अनुसार अपने इस्तेमाल किए हुए कपड़े किसी को भी उधार नहीं देने चाहिए या फिर नहीं लेने चाहिए, क्योंकि हर एक का भाग्य और शरीर की ऊर्जा अलग अलग होती है। ऐसे में व्यक्ति को शारीरिक या फिर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी को अपने रुमाल भी उधार नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी के रुमाल को इस्तेमाल करते हैं तो वाद विवाद का कारण बन सकती है, क्योंकि ये भी व्यक्ति की ऊर्जा से सीधे तौर पर जुड़ा होता है। नंबर 7 है
पैन किसी को भी ना दे उधार। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी को भी अपना पैन उधार नहीं देना चाहिए और ना ही किसी से भी उधार लेना चाहिए। माना जाता है कि किसी का पैन लेना या फिर देना वित्तीय अस्थिरता का कारण बनता है। नंबर 8 है दूध। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है दूध का सीधा संबंध चंद्र ग्रह से होता है और चंद्र ग्रह अंधेरा ढलने पर पृथ्वी पर प्रकाश फैलाता है। इसलिए हमें भूलकर भी किसी को रसोई घर का दूध या फिर इससे बनी हुई चीजें कभी भी उधार नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से चंद्र दोष लगता है और जीवन में आर्थिक परेशानियों के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी झेलनी पड़ती हैं। इसके अलावा प्याज पर केतु ग्रह का प्रभाव होता है, इसलिए किसी को भी प्याज ना ही दे, क्योंकि प्याज किसी को उधार में देने से राहु का दुष्प्रभाव अधिक हो जाता है और व्यक्ति के जीवन में कष्ट ही कष्ट आने लगते हैं। इतना ही नहीं, ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती हैं और घर की सुख समृद्धि चली जाती है। बता दें कि प्याज की तरह ही लहसुन पर केतु का प्रभाव होता है, इसलिए हमें कभी भी किसी को ना तो लहसुन उधार लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए, क्योंकि इससे घर में अन्न धन की बरकत नहीं रहती है और जीवन में आर्थिक संकट आने शुरू हो जाते हैं। इन चीजों के अलावा नमक भी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि नमक किसी को उधार में देने से इसका सीधा सीधा बुरा प्रभाव घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। खास तौर पर किसी को नमक नहीं देना चाहिए। ये तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर ही आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम कभी भी किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।